वेलकम टू सूत्रा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो साफ साफ समझा जा सकता है कि कोई जो पुरुष है वो स्त्री नहीं है, यानी स्त्री और पुरुष एक अलग अलग चीज है। यहां पे हम अलग अलग चीज इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि प्रकट रीति से हम देखते हैं कि स्त्री का चेहरा कोमल और दाढ़ी मूछों से रहित है, और वहीं पुरुष का चेहरा कठोर और दाढ़ी मूछों से भरा हुआ है। एक का शरीर नाजुक, आवाज महीन और अंग प्रत्यंग छोटे हैं, तो वहीं दूसरे का शरीर मजबूत, आवाज गंभीर और शरीर डील डोल वाला है। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि पुरुष जहां स्त्री के उपयुक्त गुण जैसे कि कोमलता, नजाकत और नस नस की नमी को पसंद करता है, उसके विरुद्ध स्त्रियां खूब कठोर अंगों वाले, बड़ी और मोटी हड्डी वाले भरपूर तेजस्वी और वीर पुरुषों को पसंद करती हैं। यह विपरीत तत्वों की पसंद दोनों स्त्री और पुरुष में केवल शारीरिक विषयों में ही नहीं होती, बल्कि मन और स्वभाव तक में भी पाई जाती है। जहां पे स्त्रियां सल्लज संकोचशील पसंद की जाती है, वहीं पुरुष निर्भय, साहसी और निसंकोच पसंद किया जाता है। एक पुरुष चाहे जितना वीर, दृढ़, साहसी और निर्भय हो, वो अत्यंत कोमल, भावुक और सल्लज और नाजुक स्त्री को ही पसंद करेगा। इसी तरह अत्यंत लजावती और कोमल अंगों वाली स्त्री, दाढ़ी मूछों से युक्त चेहरा, बालों से भरा वृक्षस्थल और बलिष्ठ भुज दंडों पर लोटपोट होती है। यानी स्त्री में जिस चीज का अभाव है उसे वो पसंद है, और पुरुष में जिस चीज का अभाव है उसे वो पसंद है। पुरुष समझते हैं कि वे स्त्रियों पर मोहित होते हैं, परंतु भली बात ही देखा जाए तो स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक मूड भाव से पुरुषों पर मरती है। दोनों को ही दोनों की उत्कट प्यास रहती है। यदि स्त्री पुरुष के लिए एक स्वादिष्ट मिठाई है तो पुरुष स्त्री के लिए जीवन का मूल है। जब हम हजारों लाखों अबोध भीरू बालिकाओं को कच्ची उम्र में हठात माता पिता, भाई और प्रेतक घर बार छोड़ के जाते हुए देखते हैं, यानी जब कोई लड़की शादी कर इतने साल तक अपने घर में रहती है और उसके बाद में शादी करके अपने पति के घर पर चली जाती है, तब किसी जादू के बल पर वह यहां पर अपना सब कुछ भूलकर सिर्फ पति के अंदर कैसे रम जाती है, और विवाह के बाद पति चर्चा को छोड़कर दूसरी चर्चा उसे सुहाती ही नहीं। काली कलूटी दुबली सुस्त लड़की भी चार दिन पति का स्पर्श पाकर कुछ और ही हो जाती है, उसका रंग निखर जाता है, उल्लास के मारे वह धरती पर नहीं टिकती, पिछले कई सालों तक जिनके घरों में रही उनको तक भूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दो ही दिनों में उसकी आंखें भाई, पिता और माता को कम पहचानने लगती है। सिर्फ पुरुष, वही कठोर पुरुष जिसकी दृष्टि में सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक घनिष्ठ, सबसे अधिक आवश्यक प्रतीत होता है। इसमें एक रहस्य है, जिससे कठोरता को कोमलता प्रिय है, उसी भांति कोमलता को कठोरता प्रिय है। दोनों दोनों की खुराक है, दोनों दोनों पर अलंबित है। स्त्रियां मूर्तिमती कोमलता है तो पुरुष मूर्तिमान कठोरता, और यही भाव एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचता है।